इस वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल दशमलव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, सैटरडे सवाल के 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला के ख़त्म होने के बाद मैं आज पहली बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और ये पहला वीडियो है जिसमें मैं खड़े होकर रिकॉर्ड कर रहा हूं। आपको शायद दिख भी रहा होगा कि मैं खड़ा हूं, बड़ा ट्रिक लगाकर खड़ा हुआ हूं, लेकिन आज मैंने सोचा कि खड़े होकर रिकॉर्डिंग की जाए। बहरहाल, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला बहुत अच्छा रहा, मैं उसमें बहुत व्यस्त रहा। कई लोग जो हमारे दशमलव चैनल के दर्शक हैं वो आए मुझसे मिलने के लिए और बहुत अच्छा लगा कि इतनी दूर दूर से लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं जो कि मुझे केवल दशमलव यूट्यूब चैनल के ज़रिए जानते हैं। पिछली बार मधुरम ने सैटरडे सवाल किया था और पिछली बार एक्चुअली हम नहीं कर पाए थे, उससे पहले मधुरम ने किया था। तो आज हम 8वां एपिसोड लेकर हाजिर हैं और शुरुआत में जैसा कि हम करते हैं, हम उन दर्शकों को धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे चैनल पर कमेंट्स करके दूसरे लोगों के प्रश्नों का जवाब देते हैं, उनकी परेशानियों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो इस हफ्ते मैं धन्यवाद देता हूं आनंद को, जिन्होंने कई सारी अच्छी कमेंट्स करके लोगों को जवाब दिया, उनके प्रश्नों को हल करने की कोशिश की। तो ये अपील आप सभी से है कि आप भी ऐसा करें ताकि हम सब लोग मिलजुल कर अपनी जानकारी को एक दूसरे के साथ शेयर करें और एक दूसरे की समस्याओं को हल करने में मददगार हों। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। तो आज जो पहली चीज़ मैंने अपनी कमेंट्स में से पिक की है वो दरअसल एक सवाल नहीं है, एक स्टेटमेंट है, एक बात है जो किशोर मकवाना जी ने कही है और मैं इससे काफ़ी हद तक सहमत हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इस बात को आप सबके साथ बांटा जाए। किशोर जी ने लिखा है कि आज 100 में से 90% गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कमेंट्स आती हैं, दशमलव चैनल की ये बात कर रहे हैं, 90% जॉब्स के लिए कमेंट्स आती हैं और आजकल 7वीं पास 10वीं फेल हुए विकलांग व्यक्ति भी गवर्नमेंट जॉब की आस लगाए बैठे हैं और इस चैनल की जो मंशा है वो इन सारी कमेंट्स के बीच में कहीं खो जाएगी। हर विकलांग व्यक्ति आपसे बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठ जाएगा जो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात किशोर जी ने कही है और मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि हमें सैकड़ों की संख्या में जो रोज़ाना कमेंट्स मिलती हैं हमारे अलग अलग वीडियोस के ऊपर, उनसे मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे व्यक्ति, उनको लगता है कि जैसे वो हमारे चैनल किसी वीडियो के ऊपर एक कमेंट कर देंगे तो उनको जॉब मिल जाएगी या हम उनको कोई जॉब दिला सकते हैं। देखिए, जहाँ जिसकी जो मदद हो सकती है वो हम करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन सरकारी जॉब हासिल करना, उसमें आपकी हम कोई मदद नहीं कर सकते और एक्चुअली कोई भी मदद नहीं कर सकता। आप सब जानते हैं कि भारत में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है और अगर हम सेक्शंस की बात करें, समुदायों की बात करें, तो विकलांगजनों का जो समुदाय है वो उसमें बेरोज़गारी की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है। आप स्त्रियों को ले लें या आप एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को ले लें, इस तरह से अगर हम कितने भी समुदाय बनाएंगे, मध्यम वर्ग को ले लें, कम आय वर्ग के लोगों को ले लें, ज़्यादा आय वर्ग के लोगों को ले लें, इन सब में विकलांगजन का जो समूह है, जो कम्युनिटी है, उसमें बेरोज़गारी की सबसे ज़्यादा समस्या है। तो ये बात हम जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन आप भी इस बात से वाकिफ ही हैं कि भारत में बेरोज़गारी इन जनरल एक बहुत बड़ी समस्या है। ये जो प्रॉब्लम है केवल विकलांग जन तक सीमित नहीं है बल्कि ये हर तबके में फैली हुई है। स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी भाषा को बोलते हो, किसी भी आयु वर्ग के लोग हों, हर किसी के साथ जॉब्स की बड़ी समस्या है। एक चीज़ मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगा कि जो मैं अक्सर अपने वीडियोस में पहले भी मैंने कहा है कि हमारा समाज विकलांग व्यक्तियों को हमेशा ये कहकर उन्हें
बड़ा करता है, जिस परिवेश में वो बड़े होते हैं, उनको यही समझाया जाता है कि तुम तो गवर्नमेंट जॉब के लायक ही हो, तुमको तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी चाहिए, तुमको सरकार का ये कर्तव्य है कि वो तुमको जॉब्स दे। देखिए, सरकार का अपना एक कर्तव्य है, सरकार ने कागज़ों पे एक 4% का जो आरक्षण है वो दे दिया है, लेकिन आप ये ज़रूर समझिए कि भारत की आबादी कितनी है और भारत में कितनी बड़ी संख्या में विकलांगजन है। 4% के आरक्षण को आप बढ़ा के अगर 5%, 6%, 10% भी कर दें तो भी सभी विकलांगजन को नौकरी नहीं मिल सकती। इसीलिए मैं दशमलव चैनल पर हमेशा इस बात को कहता हूँ कि आप नौकरी की कोशिश ज़रूर करिए, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड मत होइए, अपना खुद का कोई काम करने की कोशिश कीजिए। मैं ये भी जानता हूँ, हमारे दर्शक हमें कहते रहते हैं कि हम लोन के लिए कैसे अप्लाई करें, लोन नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन कोशिश करने से कोई ना कोई रास्ता कहीं ना कहीं से निकल आता है। अगर NHFDC आपको लोन नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो सपना है, अपना जो काम है, उसको बंद करके बैठ जाएंगे। आप अपने किसी दोस्त से पैसा मांगिए, रिश्तेदार से मांगिए, पड़ोसी से मांगिए, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। सरकारी नौकरी के ऊपर इतनी ज़्यादा निर्भरता अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। दशमलव चैनल की जो मंशा है, जैसा किशोर जी ने कहा, दशमलव चैनल की जो मंशा है वो विकलांगजन के अंदर आत्मविश्वास भरना है, उन्हें जगाना है एक किस्म से कि आप अपनी क्षमताओं को ढूंढिए और उनके ऊपर विश्वास करना सीखिए और उनका प्रयोग करके अपने जीवन को, केवल अपने जीवन को अच्छा ना बनाएं बल्कि दूसरे लोगों के जीवन में भी योगदान दें, समाज में अपना योगदान दें। दशमलव चैनल की ये मंशा है कि हम आपको ऊपर उठाएँ, आपके स्तर को ऊपर उठाएँ। हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, कि हम लोन्स के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, हम जॉब्स के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। इन सारी चीज़ों से संबंधित हम आपको जानकारियाँ देते हैं, आपके कुछ प्रश्नों का भी हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारे इस चैनल की जो केंद्र में जो मंशा है वो यही है कि आपके भीतर आत्मविश्वास जगाएं, आपके भीतर प्रेरणा का संचार करें। तो मैं किशोर जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि आप दशमलव चैनल की इस मंशा को समझिए और हमारा साथ दीजिए, अपने मन को खोलिए, अपने भीतर कुछ उत्साह लेकर आइए, अपने दिमाग की खिड़कियाँ खोलिए, कुछ नया सोचिए, कुछ नया करिए, और इस सोच में हम सब आपके साथ हैं। आप आइडियाज़ हमसे शेयर कीजिए, हम उस आइडियाज़ में आपके साथ बात करके उन्हें और ज़्यादा अच्छा रूप देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि हम आपको गवर्नमेंट जॉब दिला दें, ये नहीं हो सकता, ये कोई भी नहीं कर सकता है, हम ही नहीं, ये कोई नहीं कर सकता है। तो अब चलते हैं हम अपने दूसरी चीज़ के ऊपर। कई लोगों का ये प्रश्न है कि RPWD एक्ट जो 2016 में एक कानून आया है, उसमें विकलांगजनों को जो आरक्षण मिलता है वो 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है, लेकिन साथ ही विकलांगता की जो सूची है उसको भी बढ़ा दिया गया है। पहले जो आरक्षण था वो 3% था और विकलांगता की जो सूची थी, कितने प्रकार की विकलांगताएँ मान्य हैं, वो 7 थी। अब आरक्षण 4% है लेकिन विकलांगता की संख्या बढ़ाकर 21 कर दी गई है। तो कई लोगों का ये मानना है कि सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया है और ये तो एक केवल दिखावा है। एक तरह से देखा जाए तो बात ठीक है, लेकिन आप फिर से वही बात सोच कर देखिए कि भारत में इतने सारे लोगों ने आरक्षण मांगा है, कोई जाति के आधार पर मांगता है, कोई गरीबी के आधार पर मांगता है, हर किसी को आरक्षण चाहिए, हर किसी को आरक्षण चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को ये रोक लगानी पड़ी कि सरकार 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दे सकती कुल मिलाकर। तो आप सोचिए कि अगर सरकार विकलांगता की जो संख्या है, जो सूची है, उसको नहीं बढ़ाती, तो क्या आप चाहेंगे कि कुछ व्यक्ति जो कि अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वे भी किसी प्रकार की विकलांगता से प्रभावित हैं, वे उस सूची में शामिल ना हो? क्यों
क्योंकि आप उसमें शामिल हैं ताकि आपका आरक्षण बना रहे, दूसरा उसके अंदर ना आ पाए, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। विकलांगता की जो सूची है वो अगर बढ़ी है तो एक अच्छी बात है। हाँ, ये बात सही है कि अगर हम उसी के हिसाब से आरक्षण को बढ़ाएंगे तो वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो व्यावहारिक नहीं है। अगर हमने मान लीजिए 7 से बढ़ा के 21 कर दिया है, 3 गुना कर दिया है, तो अगर आप ये कहें कि उसी तरीके से आरक्षण को भी 3% से बढ़ाकर 9% कर दिया जाए, तो ये चीज़ें व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पाती हैं। और फिर वही बात आ जाती है कि विकलांगजन को अब वो समय आ गया है जब वो सरकार की ओर ताकना छोड़कर अपना कुछ करें, अपने पैरों पर खड़े होने की खुद ही कोशिश करें। वरना इसके अलावा विकलांगजन का जो जनरल स्तर है, यहाँ मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, सब लोगों की बात कर रहा हूँ, उनका जो जनरल स्तर है वो उठ नहीं पाएगा ऊपर। जब तक समाज हमें ये सिखाता रहेगा कि हम सरकारी नौकरियों के लिए बने हैं, जब तक हम ये मानते रहेंगे कि हम सरकारी नौकरियों के लिए बने हैं, तब तक कोई बदलाव नहीं आ सकता। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा अपनी विचारधारा को बदलिए, उसकी दिशा को बदलिए और सोचिए कि क्या आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, क्या आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत कंपटीशन होता है, लेकिन वहाँ पर जो उसके एवज में आपको मिलता है वो भी अच्छी खासी सैलरी होती है, जो कि सरकार आपको नहीं दे सकती है। तो दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। थोड़ा ये सरकारी नौकरी का जो एक ये मैं इसको जंजाल कहता हूँ, इससे थोड़ा बाहर निकलिए। अगली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे एक दर्शक ने पूछा है कि नगर परिषद व नगर पालिका की तरफ से दिव्यांगों को दुकानें मिलती हैं या नहीं। अब देखिए, बात फिर वहीं आ जाती है कि विकलांगजन के मन में हमेशा से भरा जाता है कि उनको हर चीज़ फ्री में मिलती है, स्कूटी फ्री में मिलती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझसे बहुत सारे ऐसे लोगों ने पर्सनली ये बात पूछी है जो कि खुद एक स्कूटी खरीदने की बहुत आसानी से एक स्कूटी खरीदने की क्षमता रखते हैं, लेकिन चाहेंगे वो यही कि हमें वो स्कूटी फ्री मिल जाए क्योंकि हम विकलांग हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों को मेरी ये बात कड़वी लगे, लेकिन मेरा पर्सनल जो जीवन जीने का तरीका रहा है वो यही रहा है कि मैं मांगता नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को दे सकूँ। तो दुकान फ्री में चाहिए, ये एक बहुत अजीब बात हो जाएगी। मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कहीं फ्री में दुकान मिलती हो तो आप सोच के देखिए, भारत में करोड़ों की संख्या में विकलांगजन हैं, किस किस को एक फ्री में दुकान मिलेगी। मतलब हम फ्री में क्या क्या देंगे। हम स्कूटी अगर पिछली जनगणना के हिसाब से भी देखें तो भारत में कम 3 करोड़ विकलांगजन हैं, और नई जनगणना तक जब हम पहुंचेंगे तो आप समझिए कम से कम नहीं तो 10 से 15 करोड़ विकलांगजन होंगे। हम सरकार किस किस को फ्री स्कूटी देगी, आप उसका बजट जोड़कर देखिए एक बार कि एक स्कूटी की कितनी कीमत होती है और 15 करोड़ स्कूटी की कितनी कीमत होगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब एक कपोल कल्पना है, ख्याली पुलाव है कि हमको हर चीज़ फ्री में मिलनी चाहिए। नहीं, आप अपनी मेहनत के बल पर चीज़ों को हासिल कीजिए। मेरी बात कड़वी ज़रूर लग सकती है, फिर से कह रहा हूँ, लेकिन जीवन में अगर आपको इज्जत पानी है, अगर आपको जीवन में बराबरी पानी है, अगर आपको कोई रुतबा पाना है, तो आपको वही रास्ता इख्तियार करना होगा जो मैं आपको कह रहा हूँ। अगर आप फ्री में कुछ भी लेंगे और उसके बेस पर अपना जीवन बनाएंगे तो ये यकीन जानिए कि आपके साथ व्यवहार भी हमेशा उसी तरीके का होगा कि हाँ, ये तो ठीक है, जीवन जी रहे हैं, इनको साइड में रखो, हम अपना काम अलग करते हैं। तो आप कभी भी मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा कठोर होकर अपने आप को अपना मूल्यांकन कीजिए कि क्या वास्तव में मुझे एक फ्री चीज़ की ज़रूरत है, क्या कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है कि मैं अपने लिए वो सुविधा खुद हासिल कर सकूं। अगर बहुत कठोर मूल्यांकन के बाद आपको ये लगता है कि नहीं, ये तो संभव ही नहीं है,
तो फिर मैं ज़रूर आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप हमारे चैनल पर कमेंट करें, ताकि जो हमारे दर्शक हैं, हमारी जो टीम है, वो आपको कोई मदद दे सके, कोई सलाह दे सके। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं, और इसमें हमसे कई लोगों ने हमारे विभिन्न वीडियोस पर कमेंट करके भी नारायण सेवा संस्थान के बारे में पूछा है। नारायण सेवा संस्थान के बारे में हमने हाल में एक वीडियो किया था जो बहुत सारे लोगों ने देखा और उसको पसंद किया, लेकिन उससे संबंधित दो बातें हमसे पूछी जा रही हैं। एक तो ये कि क्या हम नारायण सेवा संस्थान में जॉब कर सकते हैं, तो इसके लिए आप सीधे नारायण सेवा संस्थान से ही संपर्क करें। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम नारायण सेवा संस्थान में सेवा कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आप नारायण सेवा संस्थान से ही संपर्क करें। इसके बारे में हम कोई जानकारी आपको दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी ऐसी चीज़ होती है, कभी होती है वैकेंसी, कभी नहीं होती है, तो उनकी वेबसाइट पर यह जानकारी आती रहती है, तो आप वेबसाइट को देखते रहिए। फिर इसके अलावा इसी संस्थान के बारे में ये भी पूछा जाता है कि मुझे फला फला बीमारी है, क्या नारायण सेवा संस्थान में इसका इलाज हो सकता है? तो देखिए, हमारा सबसे पहले तो आप हमारा वीडियो देखिए नारायण सेवा संस्थान के बारे में जो हमने किया है, और उसमें हमने आपको बताया है कि किस तरह की जो कंडीशंस हैं उनका इलाज नारायण सेवा संस्थान में होता है। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई इस तरह का प्रश्न करना है कि क्या मेरी कंडीशन में नारायण सेवा संस्थान कोई मदद कर सकता है, तो इसके लिए भी आप सीधे नारायण सेवा संस्थान से संपर्क करें और वहाँ के डॉक्टरों से मिलें। एक डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि जो आपकी कंडीशन है, आपकी जो परेशानी है, उसका समाधान नारायण सेवा संस्थान में संभव है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या कहीं और हो सकता है। तो ये सारी जानकारी एक डॉक्टर आपको दे सकता है। डॉक्टर से सीधे बात कीजिए। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, और किसी की बात पर भरोसा मत कीजिए जो व्यक्ति डॉक्टर ना हो। मेडिकल चीज़ों की बात करनी है तो डॉक्टर से कीजिए, किसी से पूछिए मत, किसी की बात पर भरोसा मत कीजिए, केवल डॉक्टर से मिलिए। नारायण सेवा संस्थान का जो हमारा वीडियो है, उसकी डिस्क्रिप्शन में हमने उनका पता, उनका फ़ोन नंबर, वेबसाइट का एड्रेस सब दिया हुआ है। उसमें उन संपर्क सूत्रों से आप उनसे सीधे संपर्क करें, अपनी बात बताएं। अगर संभव हो तो उदयपुर जाकर वहाँ डॉक्टर से मिले, वही आपको आपकी मेडिकल कंडीशन के बारे में कोई सलाह दे सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें। अब एक प्रश्न है जिसमें कि हमारे एक दर्शक ने काफ़ी लंबी टिप्पणी लिखकर ये पूछा है कि उनकी नियुक्ति शिक्षक के तौर पर कहीं हो गई थी बिहार राज्य में, लेकिन उन्हें जॉइनिंग नहीं दी गई, और इसके बारे में उन्होंने जब भी किसी से बात की, किसी भी अधिकारी से, तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें। तो इसके लिए हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि हर ज़िले में या राज्य में एक विकलांगता कमिश्नर होता है, आप उनसे जाकर मिले, बिहार राज्य के जो विकलांगता कमिश्नर हैं उनसे जाकर मिले और उन्हें बताएं कि ऐसे ऐसे मेरी नियुक्ति हुई लेकिन मुझे जॉइनिंग नहीं दी जा रही है, तो वो आपकी मदद करेंगे। वे बने ही, ये जो पोस्ट है विकलांगता कमिश्नर वाली, ये बनी ही इसलिए है कि वो विकलांगजन का ख्याल रख सकें। तो आप उनसे जाकर मिलिए, उन्हें अपनी परेशानी बताइए और वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अगर वो मदद नहीं करते हैं, अगर विकलांगता कमिश्नर आपकी मदद नहीं करते हैं, तो आप दशमलव चैनल पर वापस आइए, हमें कमेंट करके बताइए कि आपने विकलांगता कमिश्नर से इस दिन इस समय बात की और उन्होंने आपकी मदद करने से मना कर दिया, तो हम इस चीज़ को आगे लेके जाएं। कि अगर विकलांगता कमिश्नर ही किसी की मदद नहीं करेगा तो फिर हम किसका दरवाज़ा खटखटाएं। तो अगर ऐसा होता है तब आप हमें ज़रूर बताएं, लेकिन ये पर्टिकुलर केस में आप विकलांगता कमिश्नर से मिलें, वो आपकी मदद अवश्य करेंगे। अब एक और क्वेश्चन मेरे सामने है। हमारे एक दर्शक ने पूछा है कि वे, उन्हें 60% विकलांगता है और वे एक सरकारी संस्था में काम करते हैं, और
उनका जो ऑफिस है उसकी दूसरी मंजिल पर इन्हें बैठना होता है और वहाँ तक पहुँचने के लिए इन्हें 90 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, जो कि इनके लिए बेहद मुश्किल है। तो इन्होंने पूछा है कि कौन से रूल के तहत वो अपने ऑफिस को एक लिफ्ट लगवाने के लिए कह सकते हैं। तो मुझे आश्चर्य है कि किसी सरकारी दफ्तर में इस तरह की चीज़ हो रही है कि लिफ्ट मौजूद नहीं है। तो आप RPWD एक्ट 2016, जो कि बाकायदा एक कानून है, उसके तहत ये लिखा गया है कि सारी सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं, सारे सरकारी दफ्तर जो हैं, वो पूरी तरह से विकलांगजन के लिए एक्सेसिबल होने चाहिए। और अगर वहाँ कोई व्यक्ति अगर वहाँ कोई विकलांग व्यक्ति काम नहीं भी करता है, तो उस ऑफिस में तो कोई विकलांग व्यक्ति बाहर से आ सकता है ना अपने किसी काम के लिए। तो हर ऑफिस का पूरी तरह से एक्सेसिबल होना बाकायदा ज़रूरी है। और आप RPWD एक्ट 2016 के तहत अपने ऑफिस को ये कह सकते हैं कि आप मेरे लिए और बाकी सब लोगों के लिए एक लिफ्ट का इंतज़ाम कराएं, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं। इसके लिए आप एक वकील से संपर्क कीजिएगा, अगर बात वहाँ तक पहुँचती है तो वकील से संपर्क कीजिए और आप कोर्ट में एक केस दायर कीजिए कि आपका जो ऑफिस है वो आपके आपके लिए ऑफिस एनवायरनमेंट को एक्सेसिबल नहीं बना रहा है। तो ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। और अब आखिरी बिंदु, ओके, ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो कि अक्सर मेरे सामने आता है। इसमें हमारे एक दर्शक ने कहा है कि I am a blind person, I am doing 12th class, how do I get a job? तो हिंदी में अगर बताऊँ तो वो ये कह रहे हैं कि मैं एक दृष्टि बाधित व्यक्ति हूँ, ब्लाइंड व्यक्ति हूँ, और मैं 12वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ, मुझे जॉब कैसे मिलेगी? तो इसका जो उत्तर है वो ये है कि मुझे नहीं पता। हम नहीं बता सकते कि आपको जॉब कैसे मिलेगी। आप खुद ही सोच कर देखिए, किसी व्यक्ति को जॉब कैसे मिलती है? पहले वो व्यक्ति कुछ योग्यताएं हासिल करता है, फिर वो व्यक्ति एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां उन योग्यताओं की ज़रूरत हो, और यदि उस जगह पर उसकी योग्यताओं के अनुसार कोई जॉब उपलब्ध होती है तब उसको वो जॉब मिलती है। तो आपके पास क्या योग्यताएं हैं उस पर निर्भर करता है कि आपको कौन सी जॉब मिलेगी, कैसी जॉब मिलेगी, कब जॉब मिलेगी। तो योग्यताओं को बढ़ाते रहिए, लगातार बढ़ाते रहिए। अगर आपके पास जॉब है तो भी आप योग्यताओं को बढ़ाते रहिए, ये तो मैं हमेशा आपसे कहता ही रहा हूँ। तो इस तरह के जो बिल्कुल वेग प्रश्न हैं, जिनमें कोई डिटेल नहीं है, जिनका हम कोई जवाब दे ही नहीं सकते, उस तरह के सवाल ना करें, डिटेल में अपनी बात बताएं। जैसे इन दर्शक को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो हमें ये बताते कि मैं 12वीं क्लास में साइंस पढ़ रहा हूँ, या मैं 12वीं क्लास में हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, और मेरा ग्रेजुएशन करने का इरादा है या नहीं है, तो तब अगर हमसे पूछा जाए कि मैं कौन सी जॉब कर सकता हूँ, तब हम फिर भी कुछ कहें। लेकिन सिर्फ ये कहना कि मैं एक ब्लाइंड व्यक्ति हूँ, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ, मैं कैसे जॉब हासिल करूँ, इससे कोई आपको कोई मदद नहीं कर पाएगा जब तक आप डिटेल्स ना दें। तो ये आज का सैटरडे सवाल था। इसमें मैंने कई सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है, और मैं फिर से कहूँगा कि कई बार मैं बहुत सीधी बात बोलता हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन मेरी जो मंशा है वो यही है कि आप जीवन में आगे बढ़ें और अपने स्तर को ऊंचा उठाएं। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आज ही जुड़ जाइए, ताकि हमारे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार।